हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईसीजी जो है वो प्रोसीजर कैसे की जाती है। ईसीजी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट में कि ईसीजी को हमको कब करना चाहिए, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो ईसीजी से दोस्तों हमको बहुत सारी चीजें रूल आउट हो जाती है, और ईसीजी एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक तरीका है जिसके जरिए से हम काफी चीजें रूल आउट कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ईसीजी करने का एक तरीका बताऊंगा। इसलिए आप मेरे, तो आप देख रहे हैं इस तरह की एक मशीन है, ये इसका ये एक स्क्रीन है, मॉनिटर है। ये आप देख रहे हैं लीड्स जो के चल रही है पूरे, ये बता रहा है अभी प्लेन इसलिए क्योंकि अभी ये एम्प्टी है, खाली है। जब हम इसको लगाएंगे तब ये जो मौजूद है, ये चेस्ट लीड्स हम इसको कहते हैं। इसमें नंबरिंग भी होती है और कलरिंग भी होती है, और इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे पास जो मौजूद है ये C1 है, यानी एक नंबर है। इसको हम लगाते कहाँ हैं, इसका प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ इंटर कोस्टल स्पेस, इस जगह आसानी होती है। तो सबसे पहले राइट साइड जो है हम ये रिज जॉइंट के पास लगाएंगे, और इसमें राइट साइड ये लिखा हुआ भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होता है इसमें। आप इसको इस तरह से हम लगाएंगे, बराबर है लगाने लीड से, उसको हमने लगा लिया है। प्लेसमेंट होता है इस तरह के, प्लेसमेंट होता है। अब आप लोग देखेंगे मॉनिटर के पास, देखिए आप मॉनिटर के पास, ये सीधा जो है हमने जो लगा दिए बिल्कुल शो हो रहा है, और इसमें भी ये कंफर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होता है, लेकिन हमको प्रिंट निकालना है। अब आप देख रहे हैं ये प्रिंट आ रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये इसी चीज रिपोर्ट आप लोगों ने देखा कि हमने निकाले। इसमें रिपोर्ट में कुछ मशीन ऐसी होती है जो डायग्नोस दे देती है, लेकिन बेहतर है कि हम कंफर्म करें हमेशा फिजिशियन के साथ। चैनल के माध्यम से हम सिखाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।